हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, यस, चलिए। हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन, अगेन एंड अगेन वेलकम टू आलोक फिजिक्स। सभी बच्चों का आलोक फिजिक्स के इस अमेजिंग सेशन में बहुत ज़्यादा मैं वेलकम करता हूँ। जल्दी जल्दी आ जाए, कोई भी कंसर्न होगा पूछें। आपके लिए हमने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब ला दिया। यस, सब ला दिया। आज दोपहर 5 बजे, सॉरी शाम को 5 बजे आपका केमिस्ट्री की क्लास थी। टीचर्स को तो आप एवुलेट कर ही लिए होंगे। मैंने एक छोटा सा टॉपिक सर को पढ़ाने बोला था, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वो जो है ना, जेई और नीट वर्टिकल के टीचर हैं। यस, जेई और नीट वर्टिकल के टीचर हैं जो आपको एकदम धांसू तरीके से बहुत सारे प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मजा आया होगा पढ़ के। नहीं मजा आया तो फिर से जाके देखें, अगर नहीं देखें तो फिर से जाके देखें, क्योंकि अब वो सर हमारे साथ मंडे से रेगुलरली आपको क्लास देने वाले होंगे शाम को 5 बजे। यस, उनका टाइमिंग फिक्स्ड हो गया, शाम को 5 बजे आपको केमिस्ट्री मिलने वाला है, ठीक है। और मैथ्स भी आ रहा है, आज ही रात को आएगा मैथ्स, शायद 8 बजे आपको मैथ्स मिलेगा। और बायो की क्लासेस भी अब आपको चालू हो जाएंगी। इसके साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन क्लासेस। स्पोकन क्लासेस में आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, तो फटाफट वीडियो को शेयर करें। जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप लाइव नहीं है, रिकॉर्ड है। नहीं बट्टा, मैं लाइव ही हूँ। जैसे मेरे सामने मनीष मौर्य बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीष, ठीक है। ओ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो फटाक से वीडियो को शेयर करें और जल्दी से आ जाएं। अब यूट्यूब पे धमाल होने वाला, क्योंकि हमारी टीम आ गई है, वो टीम जो सिर्फ कंपटीशन के साथ साथ 11th 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे करा रही है, ठीक है। और ध्यान रखें, अब आलोक सर सिर्फ आलोक फिजिक्स पर ही मिलेंगे, किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे एक चैनल और पर, प्रदीप सर, प्रदीप क्षेत्रपाल सर, रेस्पेक्टेड प्रदीप क्षेत्रपाल सर, उस क्लासेस में भी, वहाँ पे भी हफ्ते में 2-3 क्लास है मेरा, लेकिन ये दो ही चैनल पे मैं आपको दिखूंगा, अन्यथा किसी अन्य चैनल पे आपको दिखाई नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मेरे से सीखना है कोई नया चीज, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायो, साथ में स्पोकन इंग्लिश हो, तो आपको यहीं आना पड़ेगा। कहाँ पे? विद्याकुल पे या फिर आलोक फिजिक्स पे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात सेटिस्फाइड होंगे। आज मज़ा आएगा हेड से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बिल्कुल मज़ा आएगा मेरे दोस्त। और मज़ा तब आएगा ना जब आप वीडियो को शेयर करोगे और लोगों को जोड़ दोगे, तो बिल्कुल मज़ा आएगा। अब से मैं डेली शाम को 7 बजे आपके लिए यहाँ हाजिर हो रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी फुल ऑन कॉन्फिडेंट होंगे अपने क्लासेस को लेकर। मयंक शर्मा, अब मैं वहां नहीं आने वाला हूं। मयंक शर्मा, अब मैं वहां नहीं आने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। याद रखें, अब सिर्फ और सिर्फ मैं यहीं पे आ रहा हूं, आलोक्स फिजिक्स क्लासेस में मिलूंगा, आलोक्स आलोक्स फिजिक्स में ही मिलूंगा और कहीं नहीं मिलूंगा। जेई वाला क्लास सर, बिल्कुल जेई वाला आ रहा दोस्त। अब ऐसा बताओ, मैं थोड़ा बात करता हूँ ना, कई बच्चे कहते हैं सर जेई स्टार्ट करो, सर जेई स्टार्ट करो। यार एक बात बताओ, सिर्फ फिजिक्स पर क्या पढ़ के आप जेई क्रैक कर लेंगे क्या? कहने का मतलब, जेई आपकी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार कार में 4 ठोक चक्के होते हैं, 4 टायर होता है, ठीक उसी प्रकार जेई आपको क्रैक करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों क्लियर होना चाहिए, या अगर आप नीट को क्लियर करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फिजिक्स के दम पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा सर? तो इसीलिए मैंने अपने साथ जुड़ा है, मैंने अपने साथ कुछ अच्छे टीचर्स को ढूंढ के लाया है,
और बोला जा सके तो मोतियों को ढूंढ के लाया हुआ है। केमिस्ट्री का आज क्लास था 5 बजे। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सर्च मारना, सर का मिल जाएगा आपको केमिस्ट्री क्लास। अब सर डेली शाम को आने वाले हैं। अब सर मंडे से दो दो क्लास लेंगे, एक कंपटीशन का और एक ट्वेल्थ का, एक कंपटीशन का एक ट्वेल्थ का। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है मंडे से ही, आपका जेई का भी स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी मैथ्स और बायो का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात सेटिस्फाइड होंगे। नीट की क्लास है क्या सर, प्लीज़ बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, विशाखा पाल, विशाखा है क्या? हाँ विशाखा पाल, बिल्कुल बेटे। नीट हमारा प्लेटफॉर्म ही कॉम्पिटिशन का है ना, ठीक है, हम कॉम्पिटिशन वाले ही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सर, क्या कह रहे हैं अर्जुन, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू, लव यू टू, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। विद्याकुल में फिर से पे करना होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर आपने एक बार कहीं पे भी पे कर दिया, एक्स वाई जेड, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो पॉइंट भी नोटेड, एक्स वाई जेड किसी के पास भी आपने पे किया विद्याकुल के लिए, मेरी क्लासेस के लिए, आप उनसे कहें कि हमको आलोक सर से पढ़ना है, नहीं मानते हैं, कुछ नहीं करना है, विद्याकुल को कॉन्टेक्ट करें, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो दिख ही रहा होगा ना, ये व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको बहुत हेल्प करेगी और बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली। चलिए बहुत बात हो गया, अब हम पढ़ाई चेक कर चालू करते हैं, ठीक है ना। ओके मनीष, ओके मनीष, हाय सर, हेलो सर, हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मैं आपसे बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लोगों को कनेक्ट करें, क्योंकि हमारी गैदरिंग बढ़नी चाहिए यार, हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट पर मेहनत करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आज हम बात किस में करने वाले हैं सर, आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस पे, मतलब निरक्षी स्थिति पे बात करने वाले हैं। तो निरक्षी स्थिति कैसे होता है सर, क्या होता है, चलिए अब इस पर हम बात करते हैं। निरक्षी स्थिति का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा पोजीशंस बाइसेक्टर में, एक ऐसा पोजीशंस, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, कल का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में नहीं है, मैं उसको भी अरेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टाफ था वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे सारा स्टाफ आ रहा है, तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेबल तरीके से आपको मिल जाएगा सर। आप विकास यादव, नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त मेरे, मैंने बार बार कह रहा हूँ, आलोक सिर्फ आलोक फिजिक्स पर ही होंगे, मतलब ये अपने चैनल पर ही होंगे, ठीक है, मेहमान बन के अब दूसरे चैनल पे नहीं जाएंगे, एक्स वाई जेड किसी भी चैनल पे नहीं, सिर्फ प्रदीप सर के चैनल पे ही जाएंगे। तो ध्यान पे रखें, अब हम यहीं पे हैं, अगर आपको मेरे कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, आप यहाँ आएँ। और जितने बच्चों ने एक्स वाई जेड कहीं पर भी एडमिशन ले रखा था, लेकिन उनको अगर ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको आलोक सर की क्लास नहीं मिलेगी, तो आप सीधा विद्याकुल से कॉन्टेक्ट करें या मुझे अपना व्हाट्सअप करें कि इस तरीके से हमें ये हो रहा, तो मैं आपको डेफिनेटली वहाँ ट्रांसफ़र करवा दूंगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं सर, ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए मोहित, चलिए हम बात किस पे कर रहे हैं और हम ब्रॉड साइड पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, हम क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। सर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है यार, बेटे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, ये दो चार्ज, ठीक है, यस सर, इलेक्ट्रिक डायपोल तो पता है, इसके पास यहाँ पे होता है एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होता है एक नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वेरी शॉर्ट, लाइक 2L होता है, यस सर याद है। चलो इसका डेफिनेशन कितने बच्चों को याद है, याद है सर, जब दो समान परिमाण के किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर स्थित हो, तो इस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सर इंग्लिश में तो बोल दो, बिल्कुल बोलेंगे, व्हेन टू इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस, व्हेन टू इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टूगेदर, देन दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको बाइसेक्टर में निकालना, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है सर, तो ध्यान से समझना, एक ही बार में क्लिक कर जाएगा, ठीक है, हम बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं, इसके सेंटर पे यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट रखें, कल मैंने बात किया था, यहाँ पे एक पॉइंट रखें, इस पॉइंट पे ना
इस पॉइंट पे अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं? सर इस पॉइंट का नाम रख दो ना, तो इस पॉइंट का नाम मैंने पी लिख दिया। पी इज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पी क्या? प्रेक्षण बिंदु है। पी क्या है? पी एक प्रेक्षण बिंदु है। उम्मीद करता हूं अगर यहां तक क्लिक कर गया होगा तो यस करने का है, यहां तक क्लिक कर गया होगा यस करने का है। मंडे से आपको कॉम्पिटिशन के केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिल रहे हैं, फिर बहुत जल्दी विद इन 3 to 4 days आपको मैथ्स के भी कॉम्पिटिशन के क्लासेस मिल जाएंगे। मतलब बेटे आपको दिन भर लगे रहना है, ठीक है। 12th का भी चलेगा, 11th का भी चलेगा और जेई और नीट की भी क्लासेस चालू हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप अंदर से बहुत प्रफुल्लित हो रहे होंगे, बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। और याद रखना कॉम्पिटिशन फुल ऑन फ्री है, ध्यान पे रखना, कहीं फी पे करने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन प्रेजेंटली फुल ऑन फ्री है। कुछ चीज़ें अगर आपको पढ़नी होगी तो विद्याकुल से कॉन्टेक्ट करना, बिल्कुल, और कहीं हमारी क्लासेस अवेलेबल नहीं है। पी पॉइंट पर, यस सर। तो पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, यार हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है। क्या होता है? क्या जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना सर, जो पॉजिटिव होता है ना, उसकी इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा आउटवर्ड शो करता है। कहाँ शो करता है? बाहर की ओर दिखाता है। किधर दिखाता है? बाहर की ओर। बहुत बढ़िया, तो चलो बाहर की ओर हम कर लेते हैं ना, बाहर की ओर हम कर लेते हैं, तो हम डायग्राम को बड़ा अच्छा बनाएंगे। तो इस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। समझ में? क्योंकि मैंने ना, अगर आपने देखा नहीं तो जाके जरूर देखना, क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं, एग्जैक्टली ये कंजप्शन ही गलत है, ये वर्ड ही गलत है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो एग्जैक्टली लाइन ऑफ फोर्सेस है, वो फील्ड लाइन ना है, वो एग्जैक्टली उसका नाम क्या है? फील्ड लाइन है। समझ में? नहीं समझ में सर, विद्युत बल रेखाएं, जस्ट अ मिनट, विद्युत बल रेखाएं, सॉरी, ठीक है, थोड़ा फोन साइलेंट पे नहीं था, ठीक है, फोन साइलेंट पे हो गया, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं, एग्जैक्टली ये वर्ड ही गलत है, विद्युत बल रेखाएं होती नहीं है, ये नाम ही गलत दिया, वो एग्जैक्टली विद्युत रेखाएं हैं। क्या कहलाते हैं उसको? विद्युत रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ना इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन से। वो कैसे बोल रहे हो सर? विश्वास नहीं होता तो मेरे लेक्चर्स में जाके देखो, मैंने वहां पे बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आपको हर वीडियो मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूं आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल मयंक शर्मा, पूरा मिलेगा मेरे दोस्त, पूरा मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एवरीथिंग मिलने वाला है, ठीक है, सब मिलने वाला है। कमेंट रीड कर रहा हूं मैं, मोहित शुक्ला क्या कहना चाह रहे हैं? मोहित शुक्ला कहाँ गए भाई? मोहित शुक्ला क्या कहना चाह रहे थे सर? प्लस रिपल करता है, हाँ हिंदी में, ठीक है, हिंदी में, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर आ गया, तो इसके कारण इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी था वो अलोंग टू द ओपी, मैं इसको ए दे देता हूँ, ए से इसका नाम जो दे देता हूँ ना, इसका नाम दे देता हूँ ए, और इसका नाम दे देता हूँ बी। तो ये ए से पी की दिशा में, किसकी दिशा में? ए की, पी की दिशा में, ए से पी की दिशा में, ठीक है, ए से पी की दिशा में क्या है? E1, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्यों बाहर की ओर? बाहर की ओर है सर, क्यों बाहर की ओर पूछो तो रीजन के साथ पढ़ेंगे तो दम लगाकर पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको लगे कि क्या रीजन है, बाहर की ओर है, तो विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है, उसको जाके जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा उसके लिए, ठीक है। अब हम बात किस पे कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एक और, अगर यहां पे अगर कोई चार्ज होता है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो किधर होगा? वो इनवर्ड होगा। क्यों इनवर्ड होगा? अंदर की ओर क्यों होगा? हमने नेगेटिव चार्ज के लिए बताया है, हमने बताया है इसका क्या होगा, इसका होगा E2, इसका E1 ले लिए, इसका E2 होगा, और ये अलोंग टू BP है, और ये अलोंग टू OP है, ये BP की दिशा, P से B की दिशा में, ये A से P की दिशा में, ये P से B की दिशा में, अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज में लाइन इंटर करता है, पॉजिटिव चार्ज से लाइन क्या होता है? आउट होता है। तो ये आउट हो रहा है A से P की दिशा में, और P से B की दिशा में इंटर्ड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर रहा है, तो यस करना बनता प्यारे बच्चे, यस करते चले जाना, इनसाइड, बहुत बढ़िया, बढ़ेगा इंडिया। चलो अब इस जगह पर हमको निकालना है, तो उस जगह पर निकालने के लिए ना हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। हम क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं? ऐसे एक ना मैं ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया, इस लाइन का मीनिंग बताऊंगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया,
इसको थोड़ा सा लंबा बना लेता हूँ यार, इधर थोड़ा आगे ले लेता हूँ, इसका आगे जरूरत है, ठीक है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, सर ऐसे लाइन क्यों ड्रॉ की? क्वेश्चन आएगा, मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे लाइन क्यों ड्रॉ की? सिंपल है, मुझे इस जगह पे निकालना था, ठीक है। अब अगर मान लो बेटे कि अगर ये थीटा बनाता है और ये भी थीटा बनाता है, क्यों थीटा बनाएगा सर? क्योंकि बाइसेक्टर सेंटर से निकल रहा है, दोनों के बीच से जा रहा है, तो दोनों का इंक्लिनेशन जो झुकाव होगा वो सेम होगा, तो बनने वाला कोण भी सेम होगा। तो हमने पढ़ा है यहां अगर थीटा तो डेफिनेटली यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, पढ़े हैं ना? यस सर पढ़े हैं। आज नई चीजें सिखा रहा हूं मैं, फैक्टर्स होता है। तो देखो प्यारे बेटे कि अगर ये ऐसा रहता है, अगर यहाँ पे P है और यहाँ पे थीटा है, तो मैं P के साथ क्या लिखूंगा? cos थीटा, और यहाँ पे लिखूंगा P के साथ sin थीटा। तो सर cos कब sin कब? जहां एंगल कनेक्ट होता है, जिस साइड के साथ एंगल कनेक्ट होता है, जिस भुजा के साथ थीटा बनता है वहां cos, जिस साइड के साथ cos कनेक्ट होता है, थीटा कनेक्ट होता है वहां cos। तो देखो यहां कनेक्ट है, मतलब बोले सर आपके हिसाब से तो यहां cos होना चाहिए, तो डेफिनेटली यहां cos होगा बेटे, और इसके अपोजिटली यहां पे क्या होगा? sin। तो यहां पे इवन sin थीटा, मतलब ये जो इवन है वो दो डायरेक्शन में हमने तोड़ दिया। यहां तक क्लिक किया तो यस करने का है, यहां तक क्लिक किया तो यस करने का है, यस करने का है। सर आपका क्लास पर डे होगा संडे को भी? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन है, घर पे हूँ, तो पूरा इंडिया पढ़ाते हैं, पूरे इंडिया को पढ़ेंगे, पूरा मिलके पढ़ेंगे। तो कोशिश तो मेरी यही है कि संडे को भी लूँ क्लासेस, लेकिन संडे संडे लेकिन लेंगे लेंगे, टेंशन ना लें आप। तो अब यहाँ पे अगर एंगल यहाँ पे थीटा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी थीटा बनेगा, तो कनेक्टेड है ये कनेक्टेड फैक्टर, तो ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई टू cos थीटा, और ये कनेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? e2 sin थीटा। आ गया, यस सर आ गया। सिंपल है, इससे क्या, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो इजिली चुटकी मारते ही आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही हम सीख जाते हैं सर, ये रॉकेट साइंस थोड़ो है, रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्लिक किया होगा तो यस करना, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करें। मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है इसका मेंटी क्विज लेके आने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है इसका मेंटी क्विज लेके आ रहा हूँ, तो आपको मजा आएगा। सर प्लीज़ सर कमेंट रीड कर लीजिए, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ यार, कमेंट तो रीड कर ही रहा हूँ। चलो आप थोड़ा सा फुल फ्लेस में कर लेता हूँ, क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं सर? कंपटीशन का बैच का टाइम क्या है? कंपटीशन का बैच का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू स्टार्टिंग वेरी शून, हम ट्राई करेंगे बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। नहीं, सतीश कुमार साधु यादव, सतीश मेरे दोस्त, अब आलोक फिजिक्स में ही सारी क्लासेस चलने वाली है। मैंने आपके लिए, मैंने नहीं, विद्या कुल ने, हमने सब मिलके आपके लिए बेस्ट टीचर्स लेके आए हैं। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा, और स्पोकन इंग्लिश भी मिलने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आज ही स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री, और आज क्लास चला है, ठीक है। यस सर मनीष, यस सर, सर कॉम्पिटिशन का बैच टाइम मिलेगा मंडे तक, आपको पता चल जाएगा कॉम्पिटिशन, मनीष 100%, ठीक है ना। यस सर, सर नीट का क्लास डेली अटेंड कीजिएगा ना प्लीज़। बिल्कुल रतन प्रताप मेरे दोस्त, आप तो मेरे पेड कोर्स में लास्ट से है, तो चिंता ना करें, जल्दी स्टार्ट करें। सर मैथ का क्लास कब? आज ही होगा, बिहार के लाडला परमानंद कुशवाहा जी, आज से ही होगा, चिंता ना करें। अभी मैंने आपका रीड कर लिया है, अब मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, टॉपिक को ख़त्म करने दीजिए। मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में, ठीक है। अब देखिए इवन का इंटेंसिटी निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस आर होगा, हमने पिछली क्लास में भी लिया था। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से जाते हैं ना, तो आपको पता होगा कि ये अगर एल, ये अगर आर है और ये अगर एल है, सॉरी मैं थोड़ा सा उसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये अगर आर है, ये एल है, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ये वाला साइड का जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब सिमिलरली ये साइड भी क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यस सर। अब मैं क्या लिखा आऊँगा? ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्टकट में है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी जरूरत नहीं थी यहां पे, मैं इरेज कर दे रहा हूं पर, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E1, डायरेक्शन क्या, 1/4πε0, ठीक है। कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, यस। कहां से कहां, ए से पी, ए से पी का डिस्टेंस तो अपन आर की जगह पे क्या लिख लेंगे, एपी, एपी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों एपी का वैल्यू वहां गिवन है, क्या गिवन है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लाके रख दो तो क्या मिला हमको, जब रख दिए तो 1/4πε0 क्यू, एपी का वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/4πε0 क्यू, स्क्वायर हटा दोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक चीज बता दूं, आप वेक्टर मत लगाना क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, आप वेक्टर मत लगाना सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, आप वेक्टर मत लगाना सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, सिर्फ परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, सिर्फ क्या ज्ञात कर रहे हैं, परिमाण। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है, यस। कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है, यस। कितने बच्चों को लगता है कि यहां तक तो बन जाएगा, कितने बच्चों को लगता है यहां तक बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अमिताभ भैया प्लीज कम, कल संडे है, कल मेंटी होगा शाम को 7 बजे, यस। कल संडे है ना, कोई संडे वनडे छुट्टी नहीं मिलेगा अभी, कल संडे शाम को मेंटी होगा, तो मेंटी के लिए सारे बच्चे तैयार हो जाना। आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे, हालांकि वो मुझसे नहीं पूछ रहा, किसी और से पूछ रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू डायरेक्ट ऋण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए आप बताइए कितना होगा, सिंपल है ना, सिंपल है, क्या होगा E2, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो 1/4πε0, फिर क्या होगा Q, B से P पे डिस्टेंस तो BP हो जाएगा, BP का होल स्क्वायर। हमको ये डिस्टेंस पता है यार, क्या पता है सर, तो ये होगा 1/4πε0 क्यूब, बीपी का वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूट को हटा देगा, तो E2 का वैल्यू 1/4πε0 क्यूब और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कितने बच्चे यहाँ तक एकदम 100% लिख्ड है, कितने बच्चे ऐसे बैठे, देख बेटा फ्री है सोच के ना पढ़ना, ऐसी गलती ना करना, मैं आपको नॉलेज गेन करा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्फिडेंस को बिल्ड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है, हर दिन मिलने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से, दोनों का आर एच एस सेम है, देखो दोनों का आर एच एस सेम है, 1/4πε0 क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का आर एच एस सेम है, आर एच एस सेम है इसलिए एल एच एस भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब E1 का इफेक्ट उतना ही होगा जितना E2 का, यस। वो तो कॉमन सेंस की बात है यार, सब जानते हैं, कैसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चाहिए, ये 10 कूलम का है, ये भी 10 कूलम का है, ये क्या करता है, ये प्लस है, ये माइनस है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखूंगा ना तो ये जितना रिपल अप्लाई करेगा, जितना रिपल्टिव इफेक्ट होगा उसका, उतना ही इसका अट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब दोनों का इफेक्ट उस जगह पे क्या होगा, सेम हो गया। कहने का मतलब सोच के देखो कि मुझे, मैं बीच में खड़ा हूँ, दो लोग यहाँ से मुझे खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, या फिर एक धक्का मार रहा है, एक खींच रहा है, तो इफेक्ट तो दोनों का सेम होना ही चाहिए ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लिक कर गया, क्लियर है तो यस कर देना, क्लियर है तो यस कर देना। अब पी बिंदु पर चलने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अतः पी बिंदु पर देन द नेट इंटेंसिटी, देन द नेट इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल एट पी पॉइंट, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण परिणामी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब अच्छे से ना गौर से इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम का मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट पे निकालना, तो उस पॉइंट को मैं उधर फिर से बना रहा हूँ, मुझे याद है आप देख लेना, मुझे याद है आप देख लेना, ठीक है, मुझे याद है आप देख लेना, ठीक है प्यारे बच्चे। आप गौर से देखोगे ना तो वहाँ पे ऐसा था इवन कॉस थीटा, इसी में क्या था ई टू, क्या था ई टू, ई टू कॉस थीटा, यस सर बेटे याद होगा, यहाँ था इवन साइन थीटा, अपोजिट था ई टू साइन थीटा, याद है कि नहीं याद है बोलो सर, नहीं याद है तो देख लो यार, इवन कॉस थीटा ई टू कॉस थीटा, इवन साइन थीटा ई टू साइन थीटा, यस कर देना इवन साइन थीटा, बहुत बढ़िया अंबिका बिश्नोई मेरे दोस्त, सॉरी दोस्त बोल दिया, ठीक है दोस्ती हो आप सब मेरे, आप मेरे सब दोस्त हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लिक कर गया। तो मुझे नेट फोर्स निकालना कहाँ पे, यहाँ पे, तो मुझे क्या निकालना, नेट इंटेंसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नेट इंटेंसिटी के लिए बेटा ऊपर है, ठीक है इवन साइन थीटा, बाबूजी नीचे हैं तो माइनस ई टू साइन थीटा, लेकिन ये दोनों बाबूजी और बेटा एक ही साइड है तो दोनों में प्लस थीटा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लिक कर गया होगा, यहाँ तक क्लिक कर गया होगा, लेकिन एक बात याद आ गया यार कि जो इवन ई टू था वो आपस में बराबर था, ये तो है इवन ई टू आपस में बराबर था, मतलब जो इवन है उसके जगह ई टू लिखा जा सकता है और जो ई टू है उसके जगह पे इवन लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ क्लिक किया है, यस कर देना। तो ई नेट इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ई नेट इज इक्वल टू इवन साइन थीटा, फिर ई टू के जगह फिर से इवन साइन थीटा, इवन कॉस थीटा, ई टू के जगह फिर से इवन कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको जहाँ ई टू दिखेगा वहाँ इवन रख देना, ये दोनों कट गए, क्या हो गए कट गए, तो यहाँ पे दो बार एक ही चीज दिखा, तो क्या दिखा टू इवन कॉस थीटा। यार बाबूजी देख लो इवन का टू तो रहने दो, इवन का वैल्यू इक्वेशन नंबर वन हमने निकाल रखा है, इवन का वैल्यू हमने निकाल रखा है। चलो थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेता हूँ यार, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि सर आप कमेंट ही नहीं पढ़ते हो, कहीं ये रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है, क्या कहते हैं सर आप कमेंट तो पढ़ते ही नहीं हो, क्या ही ये रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है, ना मुन्ना ना ये रिकॉर्डेड नहीं अपलोड है, लाइव क्लास है। तो थोड़ा मैं आपके कमेंट को रीड कर लूँ ताकि आपका समझ में आ जाए, ठीक है कंटिन्यू। सर आपका क्लास पर डे होगा संडे को भी, विजय विकास यादव कोशिश करते हैं कि संडे को भी हो, लेकिन कमिटेड है वीक में 6 दिन तो फिक्स्ड है, मंडे टू सैटरडे, लेकिन संडे को भी अभी लॉकडाउन है तो लेना ही पड़ेगा। सर आपका क्लास पर डे होगा क्या संडे को भी, ठीक है इवन फील हो गया, फील आ गया सर, कृष्णा याद कृष्ण कुमार बहुत बढ़िया, फिजिक्स लाइक ए फील, फिजिक्स लाइक ए फील। सर कमेंट रीड करें प्लीज़, कर रहा हूँ मेरे दोस्त, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ये तो पुराना कमेंट हो गया यार, ठीक है। सर नीट का क्लास डेली क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है रतन प्रताप मौर्या मेरे दोस्त मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो अकेला था, फिजिक्स चल रहा था, अब केमिस्ट्री भी आ गया, बायो भी आ गया, आपको सब मिलने वाला। आचार्य जी प्रणाम, राघवेंद्र प्रणाम, हरि शंकर मॉर्निंग में सर क्लास, मॉर्निंग में ना पेड कोर्स वालों का क्लास है सर, आप आज रात को 10 बजे आएंगे सोच रहे हैं भाई, सर मज़ा आ गया, थैंक यू विजय तात्या मेरे दोस्त, मज़ा आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना मेरे दोस्त, और लोगों को बुला लेना मेरे दोस्त, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया मेरे दोस्त, ठीक है वीडियो को तो शेयर करना बनता है ना मेरे दोस्त। तो टू इवन का वैल्यू मैंने वहाँ पे निकाल के रखा है, ये आ गया, फिर क्या निकला था क्यू, फिर क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, चलो ये इसका वैल्यू हो गया, ये पूरा इसका वैल्यू हो गया। अब बचा कॉस, बेटे आपको पता होगा ना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बचपन में पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बोले तो बेस बाय कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। सर आधार क्या है, तो आपको जब मैं वहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ पिछले डायग्राम में देखो, आधार क्या चल रहा है उसका एल चल रहा है, ये आर, तो यहाँ पे होगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार चल रहा है एल और कर्ण कितना चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लाके रख दो, तो यहाँ पे L और यहाँ पे मैं क्या लाके रख रहा हूँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर गया होगा। अब इसको बोला कि मैं भाई तू इनके पास चला जा, तो बेचारा उठा और इनके पास आ गया, 1/4 πε0 2 QL, और यहाँ ऑलरेडी कितना चल रहा है, ये चल रहा है R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। बेटे हमने 11th डे 9th वगैरह में एक चीज पढ़ा है, रूट को जब भी हटाते हैं तो पावर में हाफ लगता है। रूट वर्गमूल को जब भी हटाते हैं तो घात में 1/2 लगता है, हाफ लगता है। तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर हाफ लग गया। तो गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो गुणा में जब घात जुड़ जाएगा 1/4πε। अच्छा, इसको 2QL को देख के कुछ याद आया, कितने बच्चों को याद आ गया प्लीज अपने कमेंट के माध्यम से कहें। और कल मेंटी खेलेंगे बेटे, आज ही से कह दे रहा हूँ, कल मेंटी होगा, कोड भी मिल जाएगा, मजा आएगा, खेलना जरूर मेंटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेंटी लेके आऊंगा। और मेरा मेंटी ना स्टेट से रिलेट तो करेगा, साथ में कॉम्पिटिशन से भी रिलेट करेगा। 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इसीलिए याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी वाला बच्चा भी खेलेगा, इंग्लिश वाला बच्चा भी खेलेगा। तो ध्यान पर रखें, कल मेंटी होने वाला है। तो मेंटी में कुछ क्वेश्चंस जो होंगे न्यूमेरिकल वाले होंगे, तो प्यारे बच्चे मेंटी खेलने से पहले कॉपी पेन लेके बैठना, तभी आपको मजा आएगा। और जो बच्चा जीतेगा उसको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, बहुत सारी हम क्या देने वाले हैं उनको, दुआएं देने वाले हैं। सर वी आर वेटिंग, अंबिका काहे वेटिंग कर रहे हो भाई, हम तो क्लास ले रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं। तो चलो, इसका वैल्यू होता पी, गुणा में घात जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ 1/2 है, बचपन में पढ़े थे ना, 1/2 2 + 3/2 3/2, ये हो गया इसका विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बना दिया, ठीक है, बन जाएगा। कितने बच्चों को लगता है लाइफ झींगा लाला है, कितने बच्चों को लगता है ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे बना लेंगे, कितने बच्चों को लगता है कि बन जाएगा, जल्दी बताएं अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करें कि बन जाएगा, कह दें, ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, जल्दी, कमेंट्स करें, यस सर, थोड़ा डिले चल रहा है क्या, चलो, कमेंट करें, यस सर, बन जाएगा, अजय अहिरवार, ठीक है, रतन प्रताप मौर्य, बन जाएगा, यस सर। तो प्यारे बच्चों, आपका कल एक क्लास लगने वाला है, उसका क्या मेंटी है, ठीक है ना। सर मैं आज ही अपने 100 स्टूडेंट को शेयर कर दूंगा, तो क्या सर फुल फ्री एनसीईआरटी क्लास देंगे ना सर। मोहित शुक्ला मेरे दोस्त, ये जो क्लास है ये क्लास 12th है, एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं डेली शाम को 7 बजे आने वाला हूँ, क्लास जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ बस लेना, दावा है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ बस लेना मेरे दोस्त, आप 95+ स्कोर करेंगे। आप जरूर 12वीं पहली बार पढ़ रहे होंगे, आप जरूर 11वीं पहली बार पढ़ रहे होंगे, आप जरूर IIT की तैयारी पहली बार कर रहे होंगे, आप जरूर NEET की तैयारी पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन हमें पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो गया। सेम अपने टाइप की फैकल्टीज को मैंने चुन के लेके आया, बहुत इंटरव्यूज लिए, बहुत ढूंढे, बेस्ट फैकल्टीज आपके लिए लेके आया है, जो आपको एकेडमी के साथ साथ 11, 12 के साथ साथ कॉम्पिटिशन के भी क्लासेस स्टार्ट होगा कराने वाले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। सर पेपर होगा या नहीं, इस बात पे मैं रतन प्रताप मेरे दोस्त मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, सर फ्री में क्लास देंगे। मोहित शुक्ला, यूट्यूब पर जो क्लास शाम को लग रहा है वो फुल ऑन फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री है। मनीष मौर्य मेरे दोस्त, लव यू टू, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और कल की क्लास हम मिलेंगे मेंटी लेके, और मैं आप सबका मेंटी के लिए वेट करूँगा, बिल्कुल कॉपी पेन तैयार होकर बैठना और मज़ा आएगा। ये टॉपिक जहाँ तक पढ़ाया हूँ वहाँ तक का मेंटी के 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और सारा क्वेश्चन जो होगा कॉम्पिटिशन से भी रिलेट करेगा। और आपके कई लोग मेंटी कराते हैं, किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, हम अपना बेस्ट करेंगे, और कल आपका मेंटी होगा और मेंटी में आप स्कोर करेंगे अच्छा। थैंक यू सर, लव यू ऑल ऑफ सर, थैंक यू, वाओ सर, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है दोस्त, हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर फर्स्ट टाइम आया तो मैं तहे दिल से आपका वेलकम करता हूँ। आलोक फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपको PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चले जाना, ये जो लिखा हुआ हूँ यही PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपको बनाने का भी टेंशन नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग अस।